चलिए इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की है और संसद भवन में पीएम मोदी से उन्होंने भेंट की है। कई मुद्दों पर पीएम मोदी से उनकी चर्चा हुई है और साथ में बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बता दें आपको इस वक्त की खास और अहम खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। कल रात ही निकल चुके थे दिल्ली के लिए और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ भी सौजन्य भेंट की है। संसद भवन में उनकी भेंट हुई है, कई मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। दिल्ली दौरे पर डॉक्टर मोहन यादव, तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, साथ में गृह मंत्री अमित शाह जी से भी उन्होंने भेंट मुलाकात की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर और भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह से उन्होंने सौजन्य भेंट की है। बता दें कई अहम मुद्दों पर जो उन्होंने चर्चा की है, संसद भवन में उन्होंने ये भेंट की है। इस वक्त की खास और अहम खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में भेंट की है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच मुलाकात के दौरान लंबी बातचीत हुई। बता दें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम मोहन यादव की मुलाकात संसद भवन में हुई। और इस खबर पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी जुड़ चुके हैं, बात करेंगे। उमेश सर, जिस तरह से अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा और उसमें से भी विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका मिलना, साथ में गृह मंत्री से उनका मिलना, क्या चर्चा का विषय रहा होगा और क्या मायने निकलते हैं इन मुलाकातों के? हमारा संपर्क नहीं बन पाया है उमेश निगम जी से। हम आपको बता दें कि इस वक्त की खास और अहम खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने सौजन्य भेंट की है। साथ में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने सौजन्य भेंट की है। संसद भवन में ये भेंट हुई है। बता दें आपको कि सीएम बनने के बाद मोहन यादव बीच बीच में दिल्ली जाते रहते हैं और कुछ दिन पहले जब वे दिल्ली गए थे तो उनकी मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई थी। हमसे फिर से जुड़ चुके हैं उमेश निगम जी, पॉलिटिकल एडिटर, बात करेंगे। सर, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार हमने देखा मुख्यमंत्री बनने के बाद वे दिल्ली दौरे पर रहे और एक बार फिर से वे दिल्ली दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री से उन्होंने संसद भवन में भेंट की, गृह मंत्री से उन्होंने भेंट की, इन भेंट मुलाकातों का सर क्या मायने निकलते हैं? क्या आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी मुलाकातें होती रहती हैं? देखिए, वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से के अलावा संगठन के तो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मिलना ये एक स्वाभाविक काम है। तो ये कोई भी मुख्यमंत्री हो तो नियमित, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 तारीख को दौरा मध्य प्रदेश में झाबुआ में होने वाला है तो उस सिलसिले में भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की होगी। इसके अलावा और कुछ व्यक्तिगत कारण रहे होंगे उनके, मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार में भी कुछ कार्यक्रम है तो उसके लिए भी उन्होंने आमंत्रण दिया है, ऐसी जानकारी है। उनके पुत्र का विवाह है इसी महीने। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर चर्चा करना होती है तो लगातार बड़े जो नेता हैं उनसे मेल मुलाकात मुख्यमंत्री का एक स्वाभाविक काम है। उमेश सर, जिस तरह के आपने बताया कि एक
पारिवारिक कार्यक्रम में भी वे शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री, जैसे कि उन्होंने जिस तरह से तस्वीरें दिख रही है सर, एक लाल कार्ड भी उनके हाथ में दिखाई दे रहा है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि कोई आमंत्रण पत्र जरूर है। मुख्यमंत्री शिरकत नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री के सुपुत्र का विवाह है तो उसके लिए वो आमंत्रण देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी गए हैं, इसके अलावा और भी कई भाजपा के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री उन सबको भी दिया है, तो जो उनके हाथ में कार्ड दिख रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो वही है जो डॉक्टर मोहन यादव के पुत्र का विवाह है इसी महीने, तो उसका वो कार्ड उनको देने का। जी सर, और निश्चित रूप से सर, सर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। जी हाँ, मैंने कहा आपसे पहले भी कि ये नियमित लगातार मुलाकात, क्योंकि वो केंद्रीय गृह मंत्री है, इसके अलावा उनके पास सहकारिता विभाग भी है, मुख्यमंत्री चूंकि सूबे में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारी योजनाएं होती है जो जिनका पैसा भी आना है, योजनाओं को मंजूरी मिलना है, तो उन सब सिलसिले में चर्चा होती है, गृह मंत्री प्रधानमंत्री के बाद वो गृह मंत्री से मिले और भी तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे वो। उमेश सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से एक तो उन्होंने निमंत्रण दिया है अपने बेटे की शादी का प्रधानमंत्री को और अमित शाह जी को, पर सर साथ में जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा, लंबी चौड़ी चर्चा हुई है। जी हाँ बिल्कुल, इस बार मध्य प्रदेश में मिशन 29 है, क्योंकि एक सीट के छिंदवाड़ा की जो नहीं जीत पाए थे उसको भी जीतना है और जो जीती हुई है उसको बरकरार रखना है, तो अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्दी आचार संहिता लोकसभा की लग जाएगी, तो इसको लेकर रणनीति बन रही है, भाजपा में लगातार बैठकें हो रही है, इन सब मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के बड़े नेताओं से चर्चा भी हुई। सर बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और साथ ही वे बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसके लिए कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में उन्होंने अपने बेटे की शादी का कार्ड तो सौंपा ही, साथ में आमंत्रण तो दिया ही, उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की है और संसद भवन में ये मुलाकात उन्होंने की।